ये बैठा है मेरा टोब। अभी टोबो को खोलती, टोबो मैं खोलती, रुको टोबो ले जानी है। टोबो जोरी इधर रुको। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी जस्ट मैं उठी हूँ आपके सामने, मैंने बेड ठीक करा अपना, टोज और खेल रहे थे, फिर फटाफट वो अभी बाहर चले गए तो मैंने क्लीन करा। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि मेरे रूम में ना कहीं से ना मक्खियाँ आई हुई हैं। बरसात तो खत्म होने को है बट ये जा नहीं रही हैं, हफ्ते दस दिन से ना कॉन्स्टेंट है। मैं रोज़ सोचती थी कि मैं मतलब इसको कैसे क्लीन करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे नॉर्मली मैं खुद सफाई करती हूँ सुबह सुबह, मैं अभी आपको दिखाती हूँ है क्या। बरसात की वजह से ना मेरे रूम में मक्खियाँ आ गई थी, केसेस बड़ी साइज़ की नहीं होती है जो, मेरे को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आप देख के बताना। तो ये आ गई हैं, ये ना मतलब 10-15 दिन से है ही है रूम में, रोज क्लीन करो, रात को कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। आप बोलो कि स्टोर से आ रही हैं, ऐसा भी नहीं है, स्टोर मैंने पूरा साफ किया था, उधर से भी नहीं आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही है। मैं भी आपको दिखाती हूँ गाइस कि कौन सी मक्खियाँ। सो गाइस ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, डस्ट तो है ही है, ये मक्खियाँ ये सारी दिख रही है आपको। सो गाइस अभी आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आती हैं, स्टोर भी साफ है, ऐसा नहीं है कि स्टोर में पता नहीं कहाँ से आई हैं। सुबह सुबह मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहती थी, मतलब व्लॉग स्टार्ट करते ही मैंने आपको ये दिखा दिया, क्योंकि रोज़ मेरे को सुबह ये दिखती ही दिखती है मेरे रूम में। बाकी मेरा रूम ऐसे साफ ही होता है गाइज। तो अभी मेरे को सबसे पहले अपना रूम क्लीन करना है, फिर मैं बाकी काम करती हूँ। सो गाइज अभी जस्ट मैंने सफाई करी है, ये देखिए पीछे पूरा साफ हो चुका है, ये देखिए, और अंदर भी मैंने सारी सफाई कर दिया। आज है संडे। सो गाइज आज क्या होता है कि संडे को पापा डाइट नहीं जाते हैं, तो मम्मा नॉर्मली सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बट मम्मा को ना आज दर्द हो रही थी बैक में, तो मैंने कहा आप लेट जाओ, तो मैंने सफाई कर दी फटाफट। आंटी आएंगे तो और अच्छे से कर देंगे, पोछा लगा देंगे, मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया होता है। पीछे ये पेड़ शेड़ है ना, ये सारी घास, ये सारा सब साफ करने वाला है। टाइम नहीं लग रहा, कुछ मिल नहीं रहा है, अभी भी करवा देंगे, थोड़े दिन में हो जाएगी सफाई। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है अंदर ना, तो अंदर छोटी छोटी मक्खियाँ हैं, तो वो उसकी वजह से गंद पड़ जाता है। और टोबो जोरो भी बाहर सुबह जाते हैं फ्रेश होने के लिए, शाम को भी जाते हैं, फिर दिन को भी जाते हैं, तो उसे क्या होता है कि डस्ट आती ही आती है, तो उसको साफ करना ज़रूरी पड़ जाता है मेरे लिए। तो फिर मेरे को सुबह एक बार झाड़ू लगाना पड़ता है, चाहे आंटी आए या ना आए, तो अगर नहीं भी आए तो भी चल पड़ता है, अगर आ जाए तो मेरी एक बार सफाई के बाद आंटी फिर से अच्छे से क्लीन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, डस्टिंग वस्टिंग झाड़ू पोछा सब करते हैं। तो ऑफिशियली भी कहीं काम करते हैं तो कहीं पर उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो फिर वो नहीं आते हैं, नॉर्मली वो आ जाते हैं काम करने के लिए। तो ये होता है कि वो आगे कर देते हैं, मना नहीं करते, सफाई बहुत अच्छी करते हैं हमारी आंटी। मम्मा सोए हैं अभी अंदर, पापा भी सोए हैं, क्योंकि वो पापा तो 12 बजे से पहले उठते नहीं है संडे को, क्योंकि एक तो हेल्थ इशू भी है और एक थोड़ा एज्ड भी हो जाता है बंदा थोड़ा टाइम के बाद। तो वो सोए हैं थोड़े से, तो पापा सोए हैं, तो मम्मा को मैंने कहा आप लेट जाओ, मैं नहा के फिर किचन में जाके कर लेती हूँ, मत्था भी टेक लेती हूँ, पूजा भी कर लेती हूँ, आप टेंशन नहीं लो। उनको टेंशन हो गई थी कि हमने ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि आदत होती है ना मम्मा को कि अब दी वो नाश्ता करके चला गया, इस टाइम ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं। टोबो ने खाना खा लिया है, क्योंकि दिबू जब खुद खाता है कई बार उसको खिला देता है, और इतने कई बार नहीं खिलाता फिर मैं खिला देती हूँ। वो जल्दी फ्री होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं किचन में क्या करती हूँ, क्या बना है, क्या खाऊंगी, जो भी है वट एवर दिखा देती हूँ आगे जाके। सो गाइस ये देखो मेरे बच्चे कैसे सोए हैं, ये देखो इसको इतनी नींद है ना इस टाइम। टोबो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो जोर मस्त हुए हैं दोनों। सो गाइस ये देखो रूम बिल्कुल क्लीन हो गया, जो मैं आपको पहले मक्खियाँ दिखा रही थी ना वो मैंने अच्छे से साफ कर दी हैं। पोछा लगाने की ज़रूरत है बट इतनी भी नहीं है, टाइम पास हो जाएगा, गारंटी नहीं आए तो। ये पीछे आपको जो दीवार दिख रही है ना, ये पीछे पानी लग रहा है, पीछे कच्ची जगह है ना उनका घर के पीछे, उनका खेत है तो उधर पानी लग जाता है कभी कभार, तो उसकी वजह से ये दीवार खराब हो गई, इवन ऊपर भी दीवार खराब हो गई आप देखो, तो मेरी पूरी फॉल सीलिंग खराब होने को आ गई है। बट क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें इतनी जल्दी ठीक तो होती नहीं है। ऊपर हमने थोड़ा सा काम करवाया था जब पानी लग रहा था, बट नहीं हो पाया, ठीक भगवान पे ही है कि ठीक हो जाए। स्टोर भी साफ है, बिल्कुल साफ है गाइस, ये बस बिस्तर पड़े हैं, शू रैक पड़ा, और वहाँ पे थोड़ा सा दिबू का सामान पड़ा, वो मुझे क्लीन करना है, क्लीन मतलब जो फेंकने वाला फेंकना है, जलाने वाला जलाना है, बाकी जो जरूरी होगा वो रखना है, बाकी ऐसा कोई है नहीं खास काम।
सो गाइज आज मैंने बेड पे दूसरी चादर नहीं डाली है। उसका रीज़न ये है कि ये चादर मुझे रात को उठानी है। जैसे आपको पता होगा अगर आप मेरे पहले ब्लॉग्स देखते हैं तो मैं चादर रात को चेंज करती हूँ, दैट्स वाई आज मैंने ये चादर चेंज करनी थी, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर दूसरी चादर नहीं बिछाई। तो आज शाम तक यही बिछी रहेगी और फिर रात को मैं चेंज करूँगी। ये बड़ा मेरा टॉवल, मैं जा रही हूँ नहाने, मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने एसी की आवाज़ आ रही थी इसलिए बंद कर दिया। अभी आपको मैं अपनी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ गाइस। अब रेडी होने के बाद मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट करना है, पूजा करनी है और मेरे को शॉप पे जाना है। वो देखो टोपी पीछे सोया है, जरूर यहाँ पे नहीं है, वो बाहर चला गया है। सो गाइस ये पहना मैंने आज कुर्ता प्लस नीचे लेगिंग और साथ में स्लीपर्स, तो मेरे फॉर एवर यही हैं जो मुझे कम्फर्टेबल लगते हैं। अच्छा ये जो कुर्ता है मेरा डब्ल्यू का है, प्रिंट में है ये देखिए, ठीक है। सो गाइज काफ़ी कंफर्टेबल है ये वाला कुर्ता। सो गाइज ये मेरी शॉप का ही है, मेरी शॉप की अपनी कलेक्शन है। मुझे ना थोड़ा ब्रांडेड लाना था तो मैंने ये लाया था, तो ये डब्ल्यू का कुर्ता है जो मैंने खुद पहना हुआ। बिल्कुल सिंपल है गाइज, नेक भी बिल्कुल सिंपल है, तो ये मैंने ऊपर स्टॉल ले लिया, मफलर बोल सकते हो। सो गाइज ये कुर्ता जो है थोड़ा सा खुला है, बट मुझे खुला ही पसंद है, ढीला ढीला, क्योंकि गर्मी होती है तो फिर पहना नहीं जाता। इतना भी खुला नहीं, आप देखो तो इतनी भी वो नहीं है, फिटिंग प्रॉपर आ रही है, दूर से लग नहीं रहा है खुला, कोई पास देखेगा तो थोड़ा फील होगा हाँ कि भाई थोड़ा खुला है। बट ये काफ़ी अच्छा प्रिंट था तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं एक कुर्ता अपने लिए, तो मैंने ये वाला कुर्ता अपने लिए ले लिया अपनी शॉप से और अब चलते हैं बाहर। सो गाइज आ गई हूँ मैं अब किचन में, अपने लिए बना रही हूँ चाय। मैंने पूजा कर ली है, मम्मा चले गए नहाने, मैंने उनको बोला था सो जाओ, बट कहाँ सोते हैं बड़े, उनको पूजा ही करनी है। इसके साथ साथ ना मैं ये दही और चपाती भी निकाल रही हूँ क्योंकि मैं जोरों को खाना खिलाना है, क्योंकि इसके बाद मैं चली जाऊँगी शॉप पर, फिर उसका नंबर आएगा शाम को खाना खाने का, वो वैसे भी नहीं खाता। सो गाइज इसको मुझे अभी खाना खिलाना है, ये देखिए कैसे बैठा बेड पे, तो ये इसका खाना है, तो अभी इसको बेड पे ही खिलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे चादर चेंज करनी है। देखो उसका फेस एक्सप्रेशन, खाता ही नहीं है खाना गाइज। सो गाइज मुझे ना इसको यहीं पे खाना खिलाना पड़ता है बड़ा मुश्किल से। अदू ना, नहीं नहीं नहीं, इधर देखो, गंदी बात, गंदी बात, आगलो आगलो आ आ, चलो कुछ खाइए कुछ खाइए, छा बात मेरा बच्चा। गाइज टोबो ने खाना खा लिया हुआ है क्योंकि टोबो को खिलाया था दिवू ने, और टोबो बिल्कुल नीचे इधर बैक साइड बैठा हुआ है जो मैं शूट करी उसके पीछे, और जोरों को खिलाना ऐसे ही पड़ता है। अब चाहो तो जैसे मर्जी ट्रीटमेंट दे के देख लो, क्योंकि मैंने इसको दो दिन तक भूखा भी रहा, मतलब दो दिन तक इसको मैंने भूखा भी रखा बट इसने खाना नहीं खाया, बदतमीज ने बुबू नो। अब पता नहीं नॉनवेज खाएगा, बट हमारे घर नॉनवेज नहीं खाते क्योंकि हम फुली वेजिटेरियन है, तो हम घर में नॉनवेज ला ही नहीं सकते। देखो मुंह से ही बाहर निकाल देता है खाना, अभी मैं इतना छोटे छोटे करके खिलाती हूँ ना। तो गाइस अभी ये चादर वॉश करनी है इसलिए मैं इस पे ऐसे रख के खिला रही हूँ, खिलाना तो नहीं चाहिए बेड पर, बट इसको खिलाने के लिए खुद भी बैठना पड़ता है ना नीचे, फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं। जोरी गंदी बात, ये ना मतलब टोबो का आधा भी नहीं खाता, टोबो जो खाता है ना उसका हाफ भी नहीं होता इसका खाना। चुना आट आ, मेरे को होता है बस जहाँ पे एंड होता है वहाँ तक डाल दूँ, खुद अंदर ले लेगा चबा, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक छोटा छोटा, मतलब इसको काफ़ी छोटा किया होता है, ये सिर्फ दही की वजह से इतनी बड़ी ग्राई लगती है, अंदर नहीं तो भी बहुत सॉफ्ट होती है। टोबो को नहीं खानी है, टोबो नहीं जो बाई की शाद आ जाती है खाना खाने, कहाँ बात है टोबो। तो गाइज ऑलमोस्ट फिनिश हो गया टोबो, जोरो का खाना, टोबो बोलने लगी थी, जोरो का खाना ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, बस ये देखिए थोड़ा सा बचा है, तो अब समझ नहीं आ रहा इसे वो खिला दूँ या फिर टोबो तो उठ नहीं रहा, नहीं तो टोबो आ जाता है, इसको खिलाते हुए टोबो आ जाते हैं तो थोड़ा टोबो इसके हिस्से का खा जाता है, फिर मुझे इतना दुख नहीं होता क्योंकि ये खाता ही नहीं है, फिर दुखी कि इतना तो खाया इसने जितना मैंने खिलाया, ये तो ज़बरदस्ती हो जाती है ना। अब मैं गाइज रियलिटी क्या होती है कि आप रोज़ फीड नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि इसकी फीड महंगी है, अगर हम इसको पेडिग्री देंगे ये नहीं खाता है, मैंने वो भी इसको ट्राई करा के देखी है, इसको पेडिग्री रूल्स सब कुछ ट्राई कराया, इसने कुछ नहीं खाया। इसने खाई थी, उन्हें लाई थी एक पता नहीं वो हस्की के लिए स्पेशल फीड, तो वो ये खा लेता आराम से, उसके साथ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ही आराम से खाता है, बट वो उसका सिंगल पैकेट वो 1 kg का है शायद या 2 kg का है, वो ही 2000 का है, तो वो एक हफ्ता भी नहीं निकलता गाइस। तो इतना इनके लिए कर सकते हैं बट इतना हम नहीं, अपने अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से इतना हम नहीं कर सकते, कोशिश करते हैं कि इनको सब दें बट
कहते हैं ना जितना आपके पॉकेट आप उतना ही अलो कर सकते हो अपने आप को, तो हमारी कोशिश यही होती है कि एटलीस्ट जो हम खाते हैं इनको वो तो हेल्दी दे। हम नॉनवेज तो दे नहीं सकते हैं, फीड हम पैकेट में ला सकते हैं, नॉनवेज हम ऐसे नहीं ला सकते गाइस घर पे, वो अलो नहीं है हमें। फीड भी हम इसलिए ले आते हैं क्योंकि अब डॉग्स रखे हैं तो खाने पड़ता है, तो वो खा लेता है सब चीज़ें, तो वो खाना भी खा लेता है, तो वो फीड भी खा लेता है, तो वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है। टच हो बस उसको एक कान की प्रॉब्लम है जो इन्फेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी देखो गाइस पूरा खिला दिया मैंने इसको, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है खाना खा ले। सो गाइस इसने पूरा खा लिया, अब चलते हैं बाहर, देखो कैसे बैठा हुआ अभी। जो गाइस एक चीज़ और होती है, अगर आपके पास डॉग्स है ना तो आप जब खाना खिलाते हो, खुद खाते हैं फिर तो अच्छी बात है, अगर खाते हैं तो इसके इनके फेस पे लगा होता है ना, इनको क्लीन करना जरूरी होता है लास्ट में। अभी मैं इसका पूरा फेस साफ कराऊंगी, मैंने इनको नहलाना था बट नहीं नहला पाई, सुबह हम थोड़ा लेट हो गए उठने में। लेट भी क्या हो गया गाइस, हमें शॉप पे जाना होता है तो बाकी काम ही नहीं खत्म होते हैं, तो अब हम इन्हें सोच रहे हैं रात को नहलाएंगे। अगर आज रात को नहलाया तो मैं ब्लॉग में पक्का शूट करके आपको दिखाऊंगी कि आज हमने इनको रात में नहलाया था। ठीक है गाइस, तो हो गया आज का ब्रेकफास्ट, मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। दिखाती हूँ आज आपको मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ। जोरो दे देखो, हेलो इधर जोरो, ये देखो हेलो, ये छोरा बुद्धू है गाइस, ये सब समझता है, टोबो नहीं देखता, फोकस करता। सो गाइस ये बैठा है मेरा टोबो नीचे, बैठ जोरो बैठा है ये बेड पे, जोरी ये देखो, और ये है मेरा टोबो। अब टोबो नीचे बैठा था ना तो मैं इसको पीछे नहीं ला पाई कैमरे में, इसको भूख भी नहीं है, कान में थोड़ी थोड़ी अभी भी दर्द है क्योंकि हम साफ कर देते हैं। अब इसको टेंशन होगी मैं जा रही हूँ, बस उठ जाता है अभी मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। वैसे इनका बर्तन मैं पीछे लेके जा रही हूँ, इसको मुझे अच्छे से वॉश करके रखना होता है, अगर मैं इसको अच्छे से वॉश नहीं करूँगी ना गाइस तो फिर खाना कैसे खाएंगे, तो मैं इसको यहाँ पे वॉश करके अच्छे से मिलते हैं आपसे। सो गाइस मेरी चाय बन चुकी है, ये मैं थोड़ा साइड पे इसलिए रख के गई थी, मैंने आपको पहले बताया व्लॉग में, अगर मैं सेंटर में रखूँ तो ये ऊपर आ जाती है, और चाय मेरी उतनी मैं इसको कम कर सकती हूँ बट इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, तो फिर मुझे होता है कि जल्दी गड़के, तो मेरी चाय ऑलमोस्ट गड़ गई है। सो गाइज़ ये है मेरी थाली, चाय है, दो चपाती हैं, इसमें मैंने बटर लगाया है, घी नहीं है बटर है, तो साथ में ये घर का बटर है गाइज़, मैं आपको दिखाऊं तो ये मम्मा ने निकाला हुआ है, ये इसमें डालते रहते हैं तो जूठे हाथ ना लगे इसलिए छोटी कोली में डालते हैं। तो ये है प्याज टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे घर ना प्याज टमाटर हम सबको ऑलमोस्ट पसंद है, ज़रूरत नहीं है हमें कोई और सब्ज़ी बीच में मिक्स करने की, तो हम प्याज टमाटर भी अकेला खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, कभी बना के खा के देखना। और मैंने जो चाय बनाई थी अभी इतनी सी बच गई है, बाद में देखते हैं। सो गाइस अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में शॉप पे जाके। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मैं हमेशा यहाँ बैठ के करती हूँ, मुझे आदत है, और मुझे फ़ैन भी चाहिए तो मैं फ़ैन भी ऑन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है गाइस। गाइस मैं निकल गई हूँ पैदल, आ गए ना दीव मुझे लेने आने वाला है। लंच टाइम हो गया, हम आए घर लंच करने। ये देखो जोरो और टोबो दोनों दिवू के साथ चिपके हुए हैं। जोरो तो मैंने आपको पहले बोला कि दिवू को छोड़ता ही नहीं है, और स्मेल तो ऐसे ले रहे हैं पता नहीं दिवू कहाँ गया था। सो गाइज मम्मा की कंडीशन ठीक नहीं थी, मम्मा को मैंने बोला था रेस्ट करो बट उन्होंने रेस्ट नहीं की, तो मैंने उनको कहा था सिंपली बनाना लंच में, शायद उन्होंने खिचड़ी बनाई होगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि लंच में आज क्या बना है गाइज। सो गाइज आज ना लंच में बनी थी राजमा की खिचड़ी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए राजमा की खिचड़ी है, भिंडी है, और साथ में चपाती है एक, और ये प्याज टमाटर की सब्जी है जो सुबह ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, ये किया हमने लंच और उसके बाद हम चले गए थे शॉप पे। सो गाइज हो गया शाम, में घर आ गई हूँ, मम्मा की कंडीशन ठीक नहीं है, सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करिए आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बाय गाइज़।